गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. बेटा सभी लोग अपना प्रेजेंट लगा दीजिए पास. चलिए बेटा सभी लोगों ने प्रेजेंट लगा दी. ओके बेटा आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना अच्छे से. ठीक है तो हम लोगों ने क्या क्या रीड कर लिया था एक बार देख लेते हैं. हम लोग ने बेटा टाइप्स ऑफ प्लांट रीड किया था. टाइप्स ऑफ प्लांट हम किस बेसिस पे देख रहे थे बेटा? शेप्स और साइज के बेसिस पे, जिसमें हमने ट्रीज देखा, श्रब्स, हर्ब्स देखा, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स देखे. देन आफ्टर बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट बात कर रहे थे प्लेसेस के बेसिस पे. तो हमने दो देखे थे, एक तो डेजर्ट प्लांट्स देखा था बेटा, एक वाटर प्लांट देखा था. उसके बाद बेटा हमने प्लांट के पार्ट्स देखे थे. ओके तो कोई प्लांट होता है ना बेटा, उसके फाइव पार्ट्स होते हैं. पहला कौन सा बेटा? रूट, देन स्टेम, देन लीफ, देन फ्लावर, देन फ्रूट. ओके इतनी बातें हमने कर ली थी और आपका चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया था बेटा? ओवर हो गया था. ओके अब थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन और कर लेते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू, है ना, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. प्लांट्स कैन बी सीन ऑल अराउंड अस. ठीक है बेटा, प्लांट जो होते हैं ना हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं. बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बेटा जो बहुत बड़े और एकदम मजबूत प्लांट्स होते हैं ना उनको ट्री बोलते हैं. ओके स्मॉल एंड बशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, है ना बेटा. जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, घने होते हैं ना, है ना, वो क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं. रूट्स ग्रो अंडर द सॉइल. बेटा जो रूट्स होती है ना प्लांट की, रूट्स वो सॉइल के अंदर ग्रो होती है. ओके ये देखिए यहाँ पर दे गिव सपोर्ट टू द प्लांट. और ये बेटा क्या करती है? प्लांट को सपोर्ट देती है. क्या करती है? सपोर्ट देती है. आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज हवा चलती है, तूफान आता है, तो क्या होता है बेटा, जो प्लांट होते हैं ना वो गिरते, मतलब जो ट्री होते हैं वो गिरते नहीं है, क्योंकि उनकी रूट्स काफी अंदर तक जाती है और काफी मजबूती से वो उन्हें ग्रिप करके रखता है. और एक बात और बेटा, है ना, जैसे जो ये रूट है ना बेटा, ये क्या करता है? मिट्टी को ग्रिप करके रखता है, मतलब पकड़े रखता है. तो अगर ऐसी जगह जहां पर क्या हो बेटा, पेड़ पौधे ना हो, तो वहां पर है ना लैंडस्लाइडिंग हो सकती है. लैंडस्लाइडिंग मतलब जैसे आपने सुना होगा कई जगह से कि मिट्टी बह जाती है. एक लैंडस्लाइड मतलब ये भी हो सकता है कि एक जमीन का एक पार्ट मतलब क्या हो जाए, स्लाइड हो जाए, अलग हो जाए. क्योंकि वहां की मिट्टी में क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स या ट्रीज नहीं होते होंगे, तो वो मिट्टी को ग्रिपिंग नहीं मिलती है. तो बारिश का जो पानी होता है, जो तेज बहाव होता है पानी का, उसके कारण वो बिखर जाती है, है ना. तो लैंडस्लाइड में भी कोस कर सकता है, और या फिर मिट्टी आपकी बह सकती है, जिसको हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं. सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी मतलब इरोज हो जाना, है ना, खत्म हो जाना, ऐसा बोल सकते हैं. बह जाती है ना पानी के साथ. ओके लास्ट पॉइंट है बेटा, लीव्स ग्रो ऑन द स्टेम, दे मेक फूड फॉर प्लांट. बेटा ये जो लीफ है ना, ये एक एक पत्ती की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगी बेटा?
ठीक है। जब हम लोग बेटा एक लीफ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एक लीफ की, तो ये हो जाएगा बेटा लीफ। लेकिन जब एक से ज्यादा पत्तियों की बात करेंगे तो वो कहलाएगी बेटा लीव्स। क्या कहलाएगी, लीव्स। ओके, यही ये लास्ट पॉइंट कह रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व इट्स एक्सरसाइज। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा अपनी बुक की एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए, मैं आंसर पूछूंगा, जिस बच्चे को आंसर आता है वो हैंड रेस करेगा। ओके चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। बेटा आपको चार ऑप्शन दिए और एक क्वेश्चन दिया है, तो जो राइट आंसर है ना उस पे ऐसे टिक करना है। समझ में आया, तो देखते हैं कौन पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ब्लैंक इन कलर। बेटा इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, मोस्टली अधिकतर जो प्लांट होते हैं बेटा कौन से कलर के होते हैं, किसे पता है, हु विल आंसर मी। हाँ मयूर, वेरी गुड। सो मयूर ने राइट आंसर दिया बेटा एकदम, दैट इज व्हाट, ग्रीन कलर। कौन सा कलर होता है बेटा, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से हम लोग टिक्की कर देते हैं तो और अच्छा लगेगा, ग्रीन कलर। ओके बेटा, मैं थोड़ा सा है ना दूसरा वाला ले लेता हूँ, ये अच्छा लगेगा, ग्रीन कलर। ओके नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ना, अब एक क्वेश्चन का आंसर मयूर ने दे दिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसी और बच्चे को देना रहेगा। ओके बेटा चलिए, ओके वेरी गुड मयूर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, श्रब्स आर मच स्मॉलर देन। बेटा जो श्रब्स होते हैं छोटे होते हैं, है ना, मच स्मॉलर देन। किससे स्मॉल होते हैं बेटा श्रब्स, आपके ऑप्शन है ट्रीज, क्लाइंबर्स, हर्ब्स, क्रीपर्स। किससे स्मॉलर होते हैं बेटा, Who will answer me? हाँ रुद्र, एक सेकेंड बेटा, रुद्र अच्छा आंसर बेटा, रुद्र ट्री। हाँ वेरी गुड, रुद्र ने भी एकदम राइट आंसर दिया बेटा। राइट आंसर क्या होगा, बेटा बाकी लोग भी है ना अपनी बुक ओपन करके जो क्वेश्चंस में करा रहा हूँ ना आपको भी टिक करना है, ये ना ट्रीज से छोटे होते हैं ना। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक। बेटा ब्लैंक मतलब ये जो खाली जगह है ना इसे मैं ब्लैंक बोल रहा हूँ। ओके, ब्लैंक हैव सॉफ्ट वीक एंड ग्रीन स्टेम्स। बेटा कौन मतलब किसके पास सॉफ्ट, वीक मींस कमजोर, और ग्रीन स्टेम, किसके पास बेटा ग्रीन स्टेम होती है जो कि सॉफ्ट और वीक होती है। हु विल आंसर, बेटा ग्रतिका प्रजापत, से प्रॉपरली ग्रतिका, से प्रॉपरली। और कौन आंसर देना चाहेगा बेटा इस क्वेश्चन का, हाँ आभास, बेटा आभास अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ बेटा वर्ड हॉप्स, एक्सलेंट, वेरी गुड बेटा। चलिए तो हॉप्स, ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब टिक द करेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स हैव थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ। बेटा जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना उनके पास मतलब क्या होते हैं, थॉर्न्स मतलब कांटे होते हैं, किसके बजाय, किसके बजाय कांटे होते हैं बेटा, हु विल आंसर। और कौन आंसर देगा, हाँ दिस, हाँ बेटा अनम्यूट करिए अपने आप को, आंसर दीजिए बेटा। फ्लावर्स, नहीं बेटा फ्लावर्स नहीं, और ट्राई कीजिए, और ट्राई कीजिए। देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है, हाँ लीव। अच्छा मुझे एक बात बताइए बेटा, आप मुझे डेजर्ट प्लांट का एक एग्जांपल बता सकते हैं क्या, कैन यू टेल मी एग्जांपल ऑफ डेजर्ट प्लांट, रोज प्लांट, प्रतिज्ञा बेटा,
चलिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आप मुझे बताइएगा वो किसका पिक्चर है। ओके हियर वी गो। हाँ आप देखिए, हाँ वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़िए बेटा। बेटा ये देखिए हमने चारों जो फर्स्ट ये थे ना बेटा हमारे, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ये सारे हमने कर लिए। ओके इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, लीव्स। क्या हो जाएगा, लीव्स। आप लोग भी जल्दी से अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए बेटा, सभी लोग कॉपी में नहीं बुक में बेटा। ओके ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स मींस क्या होगा बेटा कि देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, और यहाँ पर देखिए एक लाइन खींचा हुआ है जो कि क्या ब्लैंक है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से फाइव वर्ड्स है, 1 2 3 4 5, इसमें से कोई एक वर्ड यहाँ पर आएगा बेटा। तो पहला क्वेश्चन है प्लांट्स आर अवर ब्लैंक फ्रेंड्स। बेटा प्लांट्स हमारे कैसे फ्रेंड्स होते हैं, मैंने बताया था पास। देखते हैं और कौन आंसर दे सकता है, लेट सी। अथर्व बेटा, अथर्व वुड यू लाइक टू आंसर इट बेटा, मुझे बताइए कौन बताएगा प्लांट्स हमारे कैसे फ्रेंड्स होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ओके हाँ समर्थ, समर्थ बेटा अनम्यूट योर सेल्फ। कौन सा राइट आंसर है बेटा, अच्छी बेटा आंसर दीजिए समर्थ। चलिए बेटा आप आंसर दीजिए। ग्रीन, ग्रीन वेरी गुड, ग्रीन बोला था यार। ओके चलिए अब तो यहाँ पे बेटा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन मीन्स यहाँ पे आपको राइट करना होगा ग्रीन। क्या राइट करना होगा बेटा, ठीक है बेटा यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, ग्रीन। ओके तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेटा ग्रीन। क्या हो जाएगा, ग्रीन। ओके नाउ नेक्स्ट बेटा है क्लाइंबर्स नीड ब्लैंक टू स्टैंड एंड ग्रो। बेटा जो क्लाइंबर होते हैं, क्लाइंबर उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें ग्रो करने के लिए, स्टैंड और ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, विल आंसर। देखिए आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, बस इसमें से एक राइट ऑप्शन आपको बताना है। जो क्लाइंबर्स होते हैं बेटा, चलिए अपनी कॉपी में बुक में आप लोग क्लाइंबर्स ओपन करिए। ओके हर्ष, हाँ हर्ष आंसर दीजिए बेटा। सपोर्ट, वेरी गुड एक्सलेंट सपोर्ट, ठीक है बेटा ये वाला वर्ड यहाँ पर आएगा। ओके एस यू पी ओ आर टी सपोर्ट डबल पी। ओके ठीक है बेटा ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स बेटा जो कि नेक्स्ट पेज पर है, द स्टेम ग्रोज ब्लैंक द सॉइल। बेटा जो स्टेम ग्रोज होती है वो कहाँ होती है, प्लांट की जो एक स्टेम होती है वो कहाँ ग्रो होती है, लेट सी वुड लाइक टू आंसर। हाँ मयूर आंसर दीजिए बेटा। ओके लेट सी और कौन आंसर देना चाहेगा बेटा, हम
हाँ हाँ बेटा अनय शर्मा अबो अबो एक्सलेंट बेटा ओके सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा अबो A B O B E ओके नाउ नेक्स्ट ब्लैंक मेक द प्लांट लुक ब्यूटीफुल बेटा जो प्लांट होते हैं वो बहुत सुंदर दिखते हैं किसके वजह से ओके मयूर विल आंसर हाँ मयूर आंसर दीजिए बेटा फ्लावर्स वेरी गुड यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा फ्लावर्स ओके चलिए नाउ द लास्ट विल इन द ब्लैंक्स बेटा लास्ट के लिए जो बच गया वही आंसर हो जाएगा है ना देखिए ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया और ये भी हो गया तो बचा क्या फूड लीव्स मेक ब्लैंक फॉर द प्लांट तो लीव्स क्या बनाती है बेटा प्लांट के लिए फूड बनाती है तो व्हाट विल बी आंसर फूड ओके समझ में आया हियर वी हैव कंप्लीटेड फिल इन द ब्लैंक्स बेटा हमने क्या कंप्लीट कर लिया है फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिया ओके चलिए तो अब आप लोग भी ये कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से सभी लोग फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कीजिए ओके चलिए हो गया अब नेक्स्ट करते हैं बेटा हम लोग नाउ बेटा अब हमें कुछ एग्जांपल्स बताने हैं क्या बताने हैं एग्जांपल्स बताने हैं ओके तो चलिए बेटा डेजर्ट प्लांट्स के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे एक तो हो जाएगा बेटा कैक्टस क्या हो जाएगा कैक्टस और सेकंड कौन बताएगा मुझे कैक्टस के अलावा सेकंड वाला एग्जांपल हु वुड लाइक टू आंसर मी टू एग्जांपल्स देना है बेटा नैन्सी पटेल क्या आप आंसर देना चाहते हो अभाष ओके अभाष बेटा अभाष अनम्यूट करिए और आंसर दीजिए एफ आई की पाइप नहीं डेजर्ट प्लांट में देना है बेटा पाइप ओके चलिए देखते हैं बेटा और कौन प्रियांशी ओझा बेटा आप भी आंसर देना चाहते थे आंसर दीजिए डेड प्लांट कौन सा प्लांट बेटा डेड प्लांट डेड प्लांट ओके क्या चलिए तो हम लोग देखिए बेटा ऊपर चलते हैं चैप्टर में आपको मैं बताता हूँ डेजर्ट प्लांट में आपको आना है तो देखिए दो बच्चों ने मुझे आंसर दिया था और दोनों का आंसर बेटा एकदम सही है देखिए कैक्टस डेट पाम और फिग समझ में आया थ्री एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में आपको टू एग्जांपल्स राइट करना है ओके कौन कौन से एग्जांपल राइट करना है बेटा टू एग्जांपल्स राइट करना है तो जिस बच्चे को कैक्टस अच्छा लगता है वो कैक्टस राइट कर देगा और जिस बच्चे को मतलब डेट पाम अच्छा लगता है वो राइट कर देना और जिसको फिग अच्छा लगता है वो राइट कर देना आपको कम से कम बेटा टू राइट करना है कितने एग्जांपल्स राइट करने हैं बेटा टू तो यहाँ पर पहला एग्जांपल क्या आ जाएगा बेटा एक तो आ जाएगा बेटा कैक्टस ओके देन एक और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं फिग ओके बेटा चलिए नेक्स्ट है बेटा वाटर प्लांट्स बताना है आपको पास ओपन कीजिए बेटा अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं आप लोग अभी यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक पास ओके अब चलिए अच्छा किसी को आंसर देना है क्या इस क्वेश्चन का बेटा ओके प्रतिज्ञा
लोटस और डकवीड. वेरी गुड, लोटस एंड डकवीड, दैट्स द करेक्ट आंसर. चलिए सर आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो सर, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. अभी आ रही है क्या मेरी आवाज? सर अब आ रही है. हाँ ओके. चलिए बेटा देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं बेटा. क्रीपर्स की एग्जांपल है कुकुम्बर एंड पंपकिन. हर्ब्स के हैं तुलसी एंड मिंट. क्लाइंबर्स के हैं मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन. ओके चलिए, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज ट्रू फॉल्स. अब मुझे आपको ट्रू फॉल्स के आंसर्स बताने हैं. ओके चलिए, प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. बेटा ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आंसर दीजिए मयूर. मयूर हाँ वेरी गुड ट्रू. ओके दिस वन विल बी ट्रू. नाउ नेक्स्ट, लोटस एंड डकवीड प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट. लेट्स सी हु कैन आंसर दिस. बेटा लोटस और डकवीड डेजर्ट में ग्रो होते हैं क्या? आभास आभास
बेटा अनम्यूट करिए। फॉल्स क्या होगा बेटा? वर्ड फॉल्स, एफ ए एल एस ई, फॉल्स मीन्स ये रॉन्ग है बेटा। लोटस एंड डकवीड कौन से प्लांट होते हैं बेटा? भास कहाँ पे ग्रो करते हैं? आंसर दीजिए। वाटर में। वाटर में। वेरी गुड। चलिए नाउ नेक्स्ट, प्लांट्स कैन बी फाउंड बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। बेटा अब आपको इस सेंटेंस को अच्छे से समझना है। ये ऐसा कहना चाह रहा है बेटा, जो प्लांट होते हैं क्या वो जमीन और पानी दोनों में मिलते हैं? क्या लगता है बेटा आपको, ये सही होगा या रॉन्ग होगा? Who will answer? Will it be true or false? So the answer will be true. What? It is true. अभी देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बेटा। जो प्लांट लैंड पर होते हैं ना, लैंड पे ग्रो होते हैं मतलब जमीन पर, उन्हें हम लोग पता है क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके बेटा, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके चलिए लेट्स सी, एक सेकंड बेटा। देखिए यहाँ पर एस छूट गया बेटा। टेरेस्ट्रियल, ओके टेरेस्ट्रियल प्लांट। नाउ द लास्ट लास्ट टू फॉल्स इज बेटा, फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। बेटा जो हम लोगों को ट्री से फ्रूट्स मिलते हैं, तो क्या फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं? सीड्स मतलब आप समझते हैं, सीड्स मतलब होता है बेटा बीज। ओके गिव मी आंसर मयूर। हाँ एक बार फिर से आंसर दीजिए मयूर। मयूर एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को, देन आंसर में। हाँ ट्रू, वेरी गुड। चलिए तो ये क्या होता है बेटा? ट्रू। ओके तो आप सभी ने ये लिख लिया है बेटा, पास राइट कर लीजिए ये सारी चीजें। ये तो मैंने आपको बताया है, ये आपको बुक में नहीं राइट करना है। बाकी बेटा ये सारी चीजें हैं जो आपको राइट करना है, ठीक है? ये आंसर्स हैं। ओके बेटा आप जिस बच्चे ने मतलब जिसका जिस जो नहीं लिख पाया है, वो वीडियो को देख के फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ बेटा वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन आंसर। किसके बारे में टॉक करेंगे? क्वेश्चन आंसर के बारे में। ओके तो चलिए क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग टॉक करते हैं थोड़ा, जस्ट अ सेकंड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। 10 सेकंड में आपको इतना स्क्रीन शेयर कर दूं।
ठीक है, सभी को बेटा स्क्रीन दिख रहा है? ओके, सो नाउ बेटा पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? आप लोग इसका आंसर बेटा अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, रफ कॉपी में। इसका मैं आंसर राइट कर रहा हूँ बेटा। व्हाट डू प्लांट्स नीड फॉर ग्रोथ? बेटा प्लांट्स को क्या चाहिए होता है ग्रोथ के लिए? तो इसका आंसर होगा बेटा, प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट फॉर ग्रोथ। समझ में आया बेटा? ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? क्वेश्चन है व्हाट आर डेजर्ट प्लांट्स? तो यहां पे लिखना है बेटा, सम प्लांट्स नीड वेरी लेस वॉटर, है ना, वेरी लेस वॉटर टू ग्रो। These plants grow in deserts and are called desert plants. Okay, got it? Very good. Now, next beta. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ आर लीव्स यूजफुल फॉर प्लांट? बेटा जो लीव्स होती है वो प्लांट के लिए क्या करती है, मतलब उसके लिए कैसा, उसे क्या फायदा होता है लीव से? तो बेटा लीव जो है ना प्लांट का खाना बनाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेट्स सी, लीव्स बेटा कहाँ ग्रो करती? तो लीव्स ग्रो ऑन द स्टेम, प्लांट की जो स्टेम होती है ना उस पर ग्रो करती है। दे आर यूजली ग्रीन इन कलर। जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो कौन से कलर की होती है बेटा? ग्रीन कलर की होती है। दे मेक फूड, ओके बेटा, फॉर द प्लांट्स। ओके बेटा, अगर आप देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, हाउ आर लीव्स यूजफुल फॉर प्लांट्स, तो एक्चुअली ये क्या करती है, लीव्स इतना ही काम करती है बेटा प्लांट के लिए। दे मेक फूड फॉर प्लांट्स, मतलब इस क्वेश्चन का मेन आंसर ये वाला होना है ना, ठीक है? तो इसको जरूर जरूर राइट करेगा। तो लीव्स बेटा कहाँ ग्रो होती है? तो प्लांट की जो स्टेम होती है ना उस पर ग्रो होती है। उसके बाद दे आर यूजली ग्रीन इन कलर, और कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। और यह क्या करती है बेटा? खाना बनाती है। लेट सी द नेक्स्ट वन बेटा, वेयर डू रूट्स ग्रो? रूट्स कहाँ ग्रो करती है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं बेटा। तो रूट्स ग्रो under the soil, और क्या करती है? दे गिव सपोर्ट टू
द प्लांट। ओके बेटा, ये प्लांट को क्या करती है, सपोर्ट देती है। ओके, ये इसका आंसर हो गया बेटा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, नेम टू प्लांट्स विच हैव स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्टेम, क्या हो जाएगा बेटा आंसर। पहला आंसर हो जाएगा बनियान, बनियान ट्री। ओके, बनियान ट्री एंड नीम ट्री। तो बेटा आपके देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने कंप्लीट कर लिए और पूरी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली। अब आपको इनको फेयर कॉपी में राइट कर लेना है बेटा। ओके गुड, चल बेटा आप सभी ने अटेंडेंस लगा दी है। ओके वेरी गुड, चलिए अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा, अभी साइंस में आपका वन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको एग्जाम्स में इस चैप्टर से आएगा, इसको आपको प्रिपेयर करना है। ओके बेटा, ओके बाय बाय।